बैड न्यूज़ फिल्म कैसी लगी मैम आपको? सुपर। कुछ कहना चाहेंगी और फिल्म के बारे में? विक्की कौशल नेक्स्ट लेवल, थैंक यू। एंड एमी विर्क भी अच्छा था। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। चाहेंगे बैड न्यूज़ फिल्म कैसे लगी आपको? सर, बैड न्यूज़ फिल्म जो थी इतनी अच्छी थी, मतलब बहुत कॉमेडी थी। एंड जो स्पेशली उसमें जो गाने थे 90s के भी म्यूजिक में डाले थे, उससे और 90s का भी फ्लेवर याद आ गया। और बहुत ओवरऑल फिल्म की बात करें, एमी एंड दीप्ति डिमरी और विक्की कौशल की एक्टिंग कैसे लगी आपको? बहुत बहुत सही, मतलब विक्की कौशल की एक्टिंग तो बहुत ही कॉमेडी एंड बहुत सही। ओवरऑल फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? स्टार कितना स्टार देना चाहेंगे? जानना चाहेंगे बैड न्यूज़ फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत सही थी। विक्की कौशल, दीप्ति डिमरी और एमी की एक्टिंग की सबकी एक्टिंग अच्छी, सबकी एक्टिंग अच्छी थी। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेज थी? सेकंड हाफ ज्यादा अच्छी थी, इंटरवल की बात की। क्या बात है, इस फिल्म के सॉन्ग कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा, लास्ट वाला सॉन्ग वाला बहुत सही था। क्या लगता है फिल्म बॉक्स ऑफिस की कमाई कर सकती है? इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? 4.5। थैंक यू। और गुड बैड न्यूज़ फिल्म की बात करें तो कैसी लगी फिल्म आपको? बैड न्यूज़ फिल्म बहुत अच्छी है, जैसा गुड न्यूज़ हिट है वैसे ही बैड न्यूज़ भी हिट है। विक्की कौशल, अमी और एक्टर की बात करें तो कैसी लगी आपकी दीप्ति डिमरी वगैरह? दीप्ति डिमरी विक्की कौशल के साथ में एक नया पेयर बन गया है, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग है, केमिस्ट्री दोनों की अच्छी है। और एमी पाजी भी इसमें अच्छा दिखाए गए हैं। क्या बात है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग रही आपके लिए? दोनों पार्ट अच्छे हैं, फर्स्ट पार्ट अपना कॉमेडी के हिसाब से ठीक है और सेकंड जो सिचुएशन फिल्म में आती है उस हिसाब से ठीक है। दोनों पार्ट मतलब ओवरऑल गुड की बात करें तो कैसे लगे? हाँ, तौबा तौबा और मेरे महबूब मेरे सनम तो बहुत। क्या बात है, बहुत मज़ेदार थी, एंटरटेनिंग थी, बहुत मतलब मज़ा आया, हंसते भी मिला, इमोशनल सीन्स भी थे और कुछ अलग कॉन्सेप्ट था मूवी में, तो स्टोरी अच्छी लगी ओवरऑल, मतलब मूवी डायरेक्टर ने बहुत अच्छी मिली। इस फिल्म की बात करें, विक्की कौशल, दीप्ति डिमरी और एमी की एक्टिंग कैसी लगी आपको? उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी तीनों की? थोड़ा सा क्या थी केमिस्ट्री? अच्छी थी, मतलब सबकी केमिस्ट्री अच्छी लगी। कॉमेडी सीन्स में एमी विर्क बहुत अच्छे थे, इमोशनल सीन्स थे उसमें, विक्की कौशल वाज टू गुड, मतलब आउटस्टैंडिंग। और दीप्ति डिमरी का फुल फ्लेज रोल अच्छा था, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही आपको? फर्स्ट हाफ तो मतलब कॉमेडी ज़्यादा था, तो फर्स्ट हाफ कॉमेडी वाइज अच्छा था और सेकंड इमोशनल वाइज अच्छा था, तो मज़ा मुझे, मेरे को इमोशनल सीन ज़्यादा मज़ा आते, तो मुझे सेकेंड हाफ बेटर लगा। फर्स्ट सॉन्ग्स ओवरऑल देखने जाए तो मुझे तो सभी अच्छे लगे, बाकी मेरे महबूब मेरे बहुत अच्छा था, तौबा तौबा बहुत अच्छा था और वो बीच में जो एंट्री सॉन्ग था वो भी बहुत अच्छा था। इस फिल्म को ओवरऑल बात करें कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 3.5। ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, अगर आप कुछ हटके कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपको हंसने भी मिले और इमोशनल सीन्स ड्रामा भी देखने मिले, तो आप ये मूवी ज़रूर देखनी है। थैंक यू। बैड न्यूज़ फिल्म की बात करें तो कैसी लगी फिल्म आपको? बैड न्यूज़ मूवी ओके ओके, आनंद तिवारी का डायरेक्शन भी मतलब लगभग ठीक ठाक था, सही है मूवी, वन टाइम वॉच है। क्या बात है, अगर विक्की कौशल, दीप्ति डिमरी और एमी की बात करें तो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? केमिस्ट्री तो देखो मतलब सेम ही है, दीप्ति डिमरी में जीरो टैलेंट है, तो एक्टिंग तो मतलब उनका ऐसा लग नहीं रहा था, एक्चुअली मैं हीरोइन को भी देख रहा हूँ तो मतलब कुछ उतना वो मज़ा नहीं आ रहा था। बट अगर विक्की कौशल की बात करूँ तो हाँ, विक्की कौशल का परफॉर्मेंस अच्छा था, बट स्टोरी ना हर मूवी से लिफ्ट किया गया है। दीवाना मस्ताना आई थिंक 1997 में आई थी, अनिल कपूर, गोविंदा, करिश्मा कपूर की, ये जूही चावला की आई थिंक, तो कहानी बहुत उससे बहुत मिलती जुलती है। उसके बाद शाहरुख खान का गाना ये डुप्लीकेट मूवी से, तब मैंने ये सोचा था, तो वो गाना वहाँ से लिफ्ट किया गया है, तो बहुत सी मतलब स्टोरी मिलती है। हाँ, मिलती जुलती है। की बात करें, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही आपके लिए? फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत लिटिल बिट अच्छा था, मतलब पंचिंग लाइन अच्छी है, कॉमेडी लाइन अच्छी है, उसके बाद सेकंड हाफ थोड़ा बहुत बोर है, बट ओके ओके मूवी है, सही है। और फिल्म की बात करें तो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप इस फिल्म को? 3 स्टार, 5 out of। ऑडियंस को कोई मैसेज? आओ देखो, थोड़ा यूनिकनेस है, वैसे तो थोड़ा समाज को कहीं ना कहीं ये खराब करती है, बट आजकल के जो कोविड के बच्चे उनको पसंद आएगी और क्या। थैंक यू। स्टार्ट ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बैड न्यूज़ की तो कैसी लगी फिल्म आपको?
गुड न्यूज़ है कि मुझे बैड न्यूज़ बहुत पसंद आई, और जितनी गुड न्यूज़ एंगेजिंग थी उसमें अक्षय कुमार थे, क्यारा आडवाणी थी, दिलजीत दोसांझ थे, जिस तरह वो मूवी ने हमें एंटरटेन किया, ये मूवी भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, बहुत बांध के रखती है, बहुत अच्छी कॉमेडी पंचेस है, बहुत अच्छे वन लाइनर्स है, म्यूज़िक बहुत ही लाजवाब है, बहुत सारे कंपोजर्स हैं, करण, विशाल मिश्रा, रोचक कोहली, बहुत सारे कंपोजर, तौबा तौबा लास्ट सॉन्ग बहुत अच्छे से शूट किया गया है। और इसकी हाईलाइट है सिनेमेटोग्राफी, बहुत ही बढ़िया है। इसके जो सिनेमेटोग्राफर हैं दिग्विजीत रे, उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। आनंद तिवारी का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है, और इसके साथ साथ एडिटिंग शार्प है बिल्कुल। 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, तो शान मोहम्मद इसके एडिटर हैं। बाकी एमी विर्क सरदार जी के रोल में बहुत अच्छे हैं, विक्की कौशल एक बार फिर से छा गए, और इसके साथ साथ तृप्ति धीमरी बहुत ही हॉट और गॉर्जियस लगी हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। 80% ऑक्यूपेंसी थी ऐसे मौसम में भी, तो लोगों बहुत एंजॉय करें। केमिस्ट्री की बात करें तो विक्की कौशल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे लगे नहीं कि इससे पहले एनिमल में हमने देखा था तो तृप्ति धीमरी लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो अभी लोगों को फिर से बहुत पसंद आई। बहुत ही अच्छा उनका रोल है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। 3.5 मैसेज को बाकी मिस मत करिए, बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है। टॉपिक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है लेकिन मूवी बहुत ही बढ़िया है, तो मिस मत कीजिए। बात करें तो बैड न्यूज़ को कैसे लगी आपको? काफ़ी अच्छा, कॉमिक टाइम भी अच्छा रहा है, अच्छा है, स्टोरी भी अच्छा है, और विक्की कौशल और एमी और उनकी एक्टिंग कैसी लगी, केमिस्ट्री कैसी लगी? अच्छा था, बट विक्की कौशल का जो कॉमिक टाइम था वो काफ़ी अच्छा है। शाहरुख खान का